हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अहमदाबाद के पीच रिपोर्ट की बात। अब अहमदाबाद के अगर हम लोग पीच रिपोर्ट की बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो है वो तीसरा मैच होने वाला है और पहले के जो शुरुआत के दोनों मैचेज हैं वो दोनों मैचेज हाई स्कोरिंग रहे हैं और दोनों मैचेज जो है वो शेष हुए हैं। तो अब किस तरीके से ये मैचेज जो है हो सकता है उसको हम लोग डिटेल्स में एक एक करके चर्चा करते हैं और साथ में जो पिछले दोनों मैचेज हुए हैं उनको हम लोग डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे कि क्या सीनरियो रहा था वहाँ पर, कैसा परफॉर्मेंस हुआ था और कौन जो है वहाँ पे अच्छा चल सकता है अब आने वाले मैसेज में। तो इस चीज़ का आपको जो है पूरा जो है वो ध्यान रखना है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं थोड़ा सा इस ग्राउंड डिटेल्स के बारे में। तो आप देखोगे सिटी जो है आपको अहमदाबाद में ये देखने को मिलेगा और ओपनिंग अगर बात करते हैं इसका तो जो काफ़ी जो है आप देखोगे तो ये ग्राउंड जो है वो बहुत नया है, हालांकि ये 2021 है। और अगर हम लोग एड्रेस की बात करते हैं आपको अहमदाबाद में देखने को मिलेगा, होम ग्राउंड जो है आपको गुजरात टीम का जो है आपको ये देखने को मिलेगा। कैपेसिटी जो है वो आपको पता ही होगा कि इंडिया में जो है सबसे बड़ा ग्राउंड ये देखने को मिलेगा। अब हम लोग एक एक करके डिटेल्स जो है वो जानना शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो चाहते कि विनर सेशन एंट्री में आप बहुत इस तरह से प्रॉफिट उठा सको, तीजे व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पर आप जुड़ सकते हो। साथ में आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो कॉल फॉर प्रेडिक्शन सर्च करके और ड्रीम इलेवन के लिए जब स्क्वाडिंग इलेवन सर्च करके जुड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको ना केवल ड्रीम इलेवन से रिलेटेड टीम बल्कि बाकी जो न्यूज़ अपडेट होते हैं वो भी जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। 23 मिनट रहेगा, आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा जहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। अब सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं इस ग्राउंड के बारे में, तो ग्राउंड पर हमने देखा कि यहाँ पर जो है एक तो एक ग्राउंड फुल कैपेसिटी के साथ जो है वो ग्राउंड रहता है फुल, और दोनों मैसेज अभी तक जो हुए हैं वो हमने देखा कि यहाँ पे जो है ना बैटिंग फ्रेंडली पिच विकेट जो है वो देखने को मिल रहा है। अब ये बैटिंग फ्रेंडली जो है वो देखने को मिल रहा है इसका क्या मतलब है कि देखो इस ग्राउंड पे आप सभी को ऑलमोस्ट पता होगा, मैंने कई बार बता रखा है कि इस ग्राउंड पे टोटल 11-12 पिचेज हैं। अब ये 11-12 जो पिचेज हैं ना ये पिचेज अलग अलग डिफरेंट इमिटीज की हैं, अलग अलग डिफरेंट तरीके से बिहेव करती हैं। लेकिन अभी तक जो दो मैसेज हुआ है ना वो दोनों मैसेज हमने देखा कि काफ़ी अच्छे विकेट पर जो है मैसेज हो रहा है। अब जब भी काफ़ी अच्छे विकेट पर मैसेज होता है जहाँ पे बाउंस जो है वो परफेक्टली आ रहा है तो वैसे सीनरी में रन जो है वो बनने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। साथ में आउटफील्ड देखोगे तो काफ़ी तेज़ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी का मौसम ऐसा ही है कि आउटफील्ड काफ़ी तेज़ नज़र आएगा आपको। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं बाउंड्री एरिया में जो ना बहुत ही बड़ा नहीं रखा जा रहा है, बाउंड्री एरिया भी देखोगे तो आपको जो है वो 56 मीटर से लेकर 64-65 मीटर के आसपास तक का जो है बाउंड्री एरिया आपको देखने को मिल जा रहा है, जो कि एक एवरेज जो है वो बाउंड्री एरिया इसको कह सकते हो। और जब भी ऐसा बाउंड्री एरिया रहेगा तो ज़्यादातर चांस रहेगा कि वहाँ पे ज़्यादा जो है वो रन बनेंगे। साथ में हमने ये भी देखा कि पिच में बाउंस बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है, और बाउंस जब बहुत ही अच्छे तरीके से आ रहा है तो यहाँ पे जो है आप देखोगे कि जितना अच्छे तरीके से बाउंस आएगा बैट्समैन को उतना ही मदद मिलेगा और उतना ही जो है यहाँ पर अच्छा रन बनेगा, और बाउंस जितना अच्छा आगे तक गिरते रहेगा उतना ही आप हाई स्कोरिंग मैचेज यहाँ पर देखते रहोगे। अब एक बात आपने नोटिस किया होगा कि हाई स्कोरिंग मैचेज तो हो रहा है, विकेट जो है फास्ट बॉलर को कम मिल रहा है, स्पिनर को ज़्यादा मिल रहा है, ऐसा क्यों? तो देखो स्पिनर को इसलिए विकेट ज़्यादा मिल रहा है कि जो बाउंस हो रहा है ना बाउंस फास्ट बॉलर का जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से आ रहा है, और फास्ट बॉलर को जब बाउंस बहुत ही बढ़िया तरीके से आता है तो रन भी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से बनता है। लेकिन स्पिनर का क्या हो रहा है कि स्पिनर में जो भी बहुत ज़्यादा स्पीड का वेरिएशन कर रहा है, यानी कि जो बहुत ही स्लो फेंक रहा है या जितना ज़्यादा पेस नहीं दे रहा है और बहुत ही छोटा सा बाउंस जो है उसके बॉल में आ रहा है, जिसके चलते जो है ना बैट्समैन को जो आदत है ना कि फास्ट बॉलर पर घुमा के मारो एक माइंडसेट बन जाता है, तो वो वाला सीनरी में ज़्यादा स्पिनर को विकेट मिल रहा है, और यही सीनरी है कि यहाँ पे स्पिनर को हमें ज़्यादा विकेट जो है वो देखने को मिला। अब लास्ट मैच हमने यहाँ पे देखा कि 200 रन जो है वो केकेआर ने यहाँ पे चेस कर लिया, उससे पहले चेन्नई के खिलाफ जो है आपको गुजरात ने देखा कि वहाँ पर काफ़ी अच्छा रन जो है चेस कर लिया था। तो क्या ऐसे सीनरी में यहाँ पर रन चेस होते रहेंगे? देखो रन चेस होते रहेंगे या नहीं ये तो बात की बात है, वो तो टीम करता है टीम टू टीम कैसा जो है परफॉर्मेंस करती है। लेकिन अगर हम लोग इस ग्राउंड की बात करें, इस ग्राउंड के इस चीज़ याद रख लो कि यहाँ पे जो एवरेज स्कोरिंग रन है वो 170 के आसपास ही रहेगा, उससे नीचे जो है जल्दी से नहीं गिरेगा अनटिल कि बहुत ही बुरा कोई नहीं खेलता है तब, नहीं अगर जब तक जो है यहाँ पे एक अच्छा मैसेज होते रहेगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे ज़्यादातर और हाईली चांसेज हैं कि 170-180 के आसपास रन जो है वो बनते रहेगा, क्योंकि फास्ट बॉलर तो हम लोग रोक नहीं सकते। ऐसा तो है नहीं कि चार पाँच स्पिनर बॉलर जो है वो खिला लो और उनसी बॉलर का बॉलिंग करवाओ, तो उसके लिए भी हमें पावर प्ले में और डेथ ओवर में बॉलिंग के लिए फास्ट बॉलर चाहिए, तो वैसे सीनरी में यहाँ पर मार भी जो है फास्ट बॉलर को ज़्यादा पड़ते हुए नजर आएगा अनटिल से कभी बारिश वरिश नहीं हो जाता है। बारिश वरिश होगा तो थोड़ा सा जो मिट्टी है वो थोड़ा सा अलग टाइप का हो जाएगा, बिहेव करने लगेगा और थोड़ा सा स्विंगिंग जो है वो मिलने लगेगा, तो वैसे सीनरी में थोड़ा सा विकेट झटकने के चांसेस बढ़ जाएगा। तो इस चीज़ का जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है
तब तक ऐसा नहीं होता, तब तक जो है ज़्यादा जो है वो मिलेगा विकेट। और साथ में अगर यूज पिच पे जो है मैच होना शुरू हो गया तो स्पिनर और ज़्यादा खतरनाक हो जाएंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और यूज पिच का पता कैसे चलेगा, जब भी टॉस होता है उससे पहले सारे डिटेल्स आ जाता है, तो उसमें जो है आप देख लेना कि क्या ये यूज पिच है या नहीं है। अब बात करते हैं जो यहाँ पे लास्ट मैच हुए थे उसको एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। जो लास्ट मैच यहाँ पे हुआ था वो आप देखो कि गुजरात यहाँ पे 204 रन बनाया था और केकेआर जो है 207 रन बना के जीत गया 3 विकेट से। विकेट लेने में देखोगे तो फास्ट बॉलर को सिर्फ 4 विकेट मिला था और स्पिनर को 7 विकेट मिला था। और केकेआर की तरफ से देखो तो फास्ट बॉलर को जो है वो 3 विकेट जिनको केवल नरेने को मिला था, जबकि 4 विकेट गिरा था और 1 विकेट जो है सैयद शर्मा को मिला था। तो ये भी जो है टोटल जो 4 के 4 विकेट मिले थे ये स्पिनर को मिले थे, फास्ट बॉलर को जो है कोई विकेट नहीं मिला था। गुजरात की बात करते हैं, गुजरात में देखो तेजोरी जो सबको 2 विकेट मिला था, शमी को 1 विकेट मिला था, उसके अलावा राशिद खान को जो है वो 3 विकेट मिल गया था और इसके अलावा जोशवा लिटिल को जो है वो 1 विकेट मिला था। तो आप देखोगे ना राशिद खान भी जो है काफ़ी इंपैक्टफुल यहाँ पे हुए थे। तो अगर यहाँ पे कोई टेक्निकली काफ़ी अच्छा स्पिनर है, अब देखो ये जो स्पिनर हम लोग बात कर रहे हैं नरेने का, आपको पता है कि बॉलिंग स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्लो रहती है जिससे पेस नहीं मिलता बैट्समैन को, और राशिद खान का सेम है। राशिद खान के बॉलिंग में देखोगे तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा रहता है, कभी जो है वो अलग स्पीड से रहेगा कभी अलग स्पीड से रहेगा, जिसके चलते यहाँ पर विकेट जो है वो देखोगे तो ज़्यादा मिला है। और एजोरी जो सब का भी आपको पता है कि ये भी जो है ना जो बॉलिंग करते हैं तो सेम स्पीड से बॉलिंग कभी नहीं इनको देखना कि कभी इनका बॉलिंग 130 रहेगा तो कभी 32 रहेगा, कभी 28, कभी 20, इस तरीके से जो है वो स्पीड रहता है। तो जो भी ऐसा बॉलिंग यूज़ करेगा उसको विकेट यहाँ पर मिलेगा, इस चीज़ का जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि बैट्समैन का कैसे परफॉर्मेंस था, तो बैट्समैन में देखोगे रन तो यहाँ भर भर के बन रहे हैं, 400 रन बन गए 40 ओवर में। देखोगे विजय शंकर का जो यहाँ पे 24 बॉल में 63 रन था, साई सुदर्शन का 38 बॉल में 53 रन था और गिल का देखोगे तो 31 बॉल में 39 रन था। इधर देखो केकेआर की तरफ से तो वेंकटेश अय्यर का देखो तो 40 बॉल में 80 रन था और रिंकू सिंह का देखोगे तो 21 बॉल में 48 था और नीतीश रैना का देखोगे तो यहाँ 29 बॉल में 45 था। तो अधिकतर आप देखोगे ना देखो ये वाला मैच जो है वो आप देखो यहाँ पे ये वाला स्कोर देखो और ये वाला स्कोर देखो, देखो आपको ना 200 के स्ट्राइक रेट से जो यहाँ पे रन बन सकता है जिस तरह का एक ग्राउंड है। तो इस सिनेरियो में जो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी कोई ऐसा पेस वाला बैट्समैन आता है जो कि 200 के स्ट्राइक रेट से खेल सकता है तो उसको भी यहाँ पर बेनिफिट मिल सकता है और वैसा रन जो यहाँ पर बन सकता है। तो इस चीज़ का जो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप बैट्समैन के हिसाब से देख रहे हो इस ग्राउंड को तो कौन कौन से बैट्समैन आप ले सकते हो कि यहाँ पर कितने स्ट्राइक रेट से बन सकता है। अब देखो जो टेक्निकली 150 से ऊपर स्ट्राइक रेट से नहीं बढ़ता बैट्समैन वो 200 का स्ट्राइक रेट नहीं खेलेगा, लेकिन जो 200 के स्ट्राइक रेट से खेल सकता है आप उसको ले सकते हो क्योंकि यहाँ पे जो है वो उसे मदद मिल सकता है और वो जो है ऐसा रन बना सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो उससे पहले के मैसेज हुआ था तो उसमें देखोगे चेन्नई ने जो है 178 बनाया था और गुजरात जो उसे चेस कर लिया था और विकेट भी जो है फास्ट बॉलर ने 9 लिया था और स्पिनर जो है वो यहाँ पे 3 लिया था। और ये वजह से ना फास्ट बॉलर पर इसलिए मिलता है कि पहला विकेट था फ्रेश विकेट था जहाँ पे जो है मदद थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा था फास्ट बॉलरों को, तो इस चीज़ का जो आपको यहाँ पर ज़्यादा ध्यान रखना था। लेकिन उस पिच में देखोगे स्पिनर को जो है थोड़ा बहुत मदद यहाँ पर जरूर मिला था। तो ऐसे सीनरी में जो है आपको यहाँ पे ग्राउंड को जो है वो लेके चलना है और जैसे जैसे मैसेज होते जाएगा ग्राउंड और चेंज होते जाएगा जिसको हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। तो होप से मुझे आपको ये अच्छा लगा होगा और अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो चाहते कि जो है आप विनर सेशन इंडिया में बहुत ही प्रॉफिट उठा सको, तो इसे व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पर आपको जुड़ जाना है। साथ में आप कॉल फॉर बिजनेस सर्च करके टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो या फिर वीडियो के डिस्प्ले में आपको डिटेल्स मिल जाएगा वहाँ से जुड़ सकते हो। और अगर आप फैंटेसी लीग के लिए ड्रीम इलेवन के लिए देख रहे हो तो आप स्क्वाडिंग लेवल से जुड़ना बिल्कुल मत भूलना, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है जुड़े हुए हैं जहाँ पर आपको ड्रीम इलेवन से रिलेटेड टीम और जो भी न्यूज़ है वो अपडेट हो जाता है। तो मिलते हैं आप सभी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल बटन पर क्लिक करना ताकि जब भी वीडियो अपडेट हो उसका अपडेट जो आपको मिलते रहेगा।